भयंकर आग इतना रहा, देखो पत्थर देखो कितनी स्पीड मार रहे हैं वहां से। तीन पांच है नीचे भी है, वो दो तीन चार पांच है। माड़ा में आपने एंटर कर लिया। अच्छा खाली गाड़ी है, पंचर हो गया शायद यार मेरे। हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, हेलो। पूरा भर रखा है हमारे पीछे, तो वहां से मार दे कल जब यहां पे इतना मार रहा है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, हमने केदारनाथ और तुंगनाथ ट्रैक कंप्लीट किया, तो आज के इस वीडियो में हम बद्रीनाथ के दर्शन करने वाले हैं। बद्रीनाथ दर्शन करके जाएंगे हम भारत के प्रथम गांव माणा विलेज पर। माणा पहुंचकर जाएंगे हम सरस्वती नदी और भीम पुल के दर्शन करने, उसके उससे आगे बढ़ेंगे व्यास गुफा और गणेश गुफा के दर्शन करके वापस आएंगे नीचे चाय की दुकान पर, जो कि हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान है। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम कल्पेश्वर महादेव मंदिर के लिए, जो कि पंच केदार में से पाँचवें केदार हैं। और आज यहाँ पर हमारी पंच केदार की यात्रा कंप्लीट होगी, और साथ ही आज हम यहाँ से निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। तो आगे ब्लॉग इन्जॉय करिए आप। तो अभी हम लोग बद्रीनाथ हाईवे पे, तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से, बारिश वगैरह हो रही है हल्की फुल्की। तो अभी रुके थे यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए, और यहाँ से आगे का नज़ारा ये देखो। आगे हम कर्णप्रयाग में, मजाक करो कर्णप्रयाग नहीं, पता नहीं कौन सी जगह, बद्रीनाथ को जाते थे रास्ते में एक होटल है, वहाँ पर रुके थे कॉफ़ी पीने के लिए यहाँ पर। और यहीं पर सामने हेलीकॉप्टर, पता नहीं जगह कौन सी है। और यहाँ से देखो बद्रीनाथ से आती हुई नदी कितनी तूफान पे है, और सामने का व्यू वो उधर देख रहे हैं, देखो सामने हिमालय हल्के हल्के, हमने वहीं कहीं जाना होगा, इसी के आसपास कहीं जाना है शायद। टायर पंचर हो गया शायद यार मेरे। हेलीकॉप्टर का टायर पंचर हो रहा है, ऐसी जगह 70 रुपए ले तोड़ दोगे उसको, स्लाइड चक्कर हो जाए काम। तो कॉफ़ी वगैरह पी के जैसे आगे बढ़े, तो वहाँ से आगे जाते ही तुरंत जाम लग गया था। बद्रीनाथ के आसपास लैंडस्लाइड हुआ था बहुत तगड़ा, तो हमें यहीं पर चौकी के आसपास रोक दिया गया था। तो अभी हम यहाँ से थोड़ा सा आगे तक देखते हुए और यहाँ पर रुके हुए हैं, और देखते ही देखते अंधेरा हो गया। करीब 5 बजे हम यहाँ पर पहुँच गए थे, 5 बजे से शाम को 7:30-8 बजे तक हम यहीं पर रोड में रुके रहे, और जाम खुला नहीं। तो ये 11 बज रहे हैं, और ये रूम लिया है अभी पहुँच रहे हैं बद्रीनाथ, यहीं पर लिया है 2000 रुपये रूम, वो लोग एंट्री कराने गए हैं। और मंदिर मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर बाहर कहीं पर है। तो भैया सुबह के 3 बज रहे, और हम लोग तप्तकुंड पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर अभी हम लोग नहा वगैरह लेते हैं, उसके बाद लगेंगे हम यहाँ से आगे दर्शन के लिए लाइन पे। तो दर्शन करके बाहर आए और उजाला वगैरह हो गया था, तो अभी 5 बज रहे हैं और बाहर का व्यू कुछ ऐसा। फोटो ये केदारनाथ, ये तो ले रखा है हमने यार, अरे इसमें सारे हैं ना, चार बार मैंने, अरे यार कर लो यार, क्या चीज फोटो दर्शन वगैरह करके अभी हम लोग जा रहे हैं वापस रूम की तरफ। तो भैया पहुंच गए थे पार्किंग के पास, और यहाँ पे बीच में फंसी हमारी गाड़ी है ब्लैक वाली, और बाकी जो सारी गाड़ी वाले मंदिर में दर्शन के लिए गए हुए हैं, जब तक ये लोग आएंगे नहीं तब तक हम जा नहीं सकते। 2 घंटा वेट करने के बाद फाइनली अब जा रहे हैं माणा की तरफ। रोड देखो कितने खतरनाक है। माणा के ना, माणा में आपने एंटर कर लिया। अच्छा खाली गाड़ी लगानी है आप। अच्छा उसके बाद आपने पैदल जाना 700 मीटर। अच्छा
अच्छा इससे आगे नहीं जा सकते आप? इससे आगे नहीं जा सकते, गाड़ी यहाँ लगानी पड़ेगी। गाड़ी आगे जाऊँ वो जा रही है ना, वहाँ पे लगानी है। भैया यहाँ पर होते हैं सरस्वती नदी और भीम पुल के दर्शन। पांडव अपने गए थे, उसमें गए थे सर्व लोग, सर्व लोग यहीं से गए थे। हाँ इसी रास्ते से कह रहे कि पांडव जो सर्व लोग उसी रास्ते से गए थे। ऐसा कुछ नहीं, अभी जा रहे हैं पर व्यास गुफा। और व्यास गुफा और कौन सी गुफा, गणेश गुफा? गणेश गुफा 200 मीटर ऊपर है रास्ते से। व्यास जी की किताब है, पता है व्यास जी की किताब है? हाँ, जी किताब, हाँ। किताब जैसी नहीं लग रही, कहते पन्ने टाइप के नहीं लग रहे, पन्ने लग रहे। भूपति का था वो तो फिर बाद में कलयुग में ऐसा हुआ तब ये पत्थर बन गया क्या। अभी हमने थोड़ी कहानी सुनी ना, कौन सुना इतना छोटा तो भाई हाथ में भी लेके आ रखे और तो पहिया कौन गया इन्हीं के सर में मारो, टुकड़ी क्यों ला रखा तू इन्हीं के सर में मारो के लाता हूं यार तुमको भी। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से कल्पेश्वर महादेव के लिए पंचकेदार में, पाँच छकेदार की तरफ। और यहाँ की रोड की हालत थोड़ा सा ख़राब है तो देख के आना, झटके वगैरह काफ़ी लगते हैं। बाइक वाइक के लिए तो ठीक है लेकिन गाड़ी के लिए थोड़ा सा टफ है रास्ता, और पहाड़ वहाड़ भी बहुत ख़तरनाक हैं तो ऊपर से पहाड़ वहाड़ भी टूटते रहते हैं। और बारिश के टाइम पर तो रोड बहुत स्लिपरी है, कच्ची रोड दिखती है, बीच बीच में कहीं कहीं पर डामर वगैरह है टूटा फूटा हुआ भी। तो चलते हैं आगे को और देखते हैं कितने आगे है मंदिर, मंदिर को कल्पेश्वर भयंकर आ कितना रहा, देखो पत्थर देखो कितनी स्पीड मार रहे वहां से, और पांच है नीचे भी है, दो तीन चार पांच है, चार पांच है नीचे भी है। तो भैया पहुंच चुके हैं मंदिर के पास और यहाँ से थोड़ा सा आगे है मंदिर, गाड़ी वगैरह यहीं पर खड़ी करनी पड़ेगी। और सामने झरना देखो कितना मस्त दिख रहा है भाई।
कल्पेश्वर दर्शन करने के बाद हम रात को पहुंच गए थे गरुड़। तो आज हमारा छठा दिन है और आज हम फाइनली घर पहुंच जाएंगे अपने वापसी। तो अभी हम सुबह निकल रहे हैं गरुड़ होटल से, गाड़ी वगैरह पैक करते हैं, अब निकलेंगे आज हम यहाँ से घर की तरफ। घर है हमारा शाही देवी, तो यहाँ से करीब 3 या 4 घंटे लगेंगे। और तो अभी हम निकल गए हैं सुबह सुबह मार्केट से, अब चलते हैं आगे को। अब चल दो घर को, चलो समाप्ति होती है ट्रिप की यहाँ पर। अब बढ़ो आगे को, चलो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना और साथ ही चैनल को लेना सब्सक्राइब। आगे हम मिलते हैं आपसे नई किसी वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। और इसी खूबसूरत झरने के साथ खूबसूरत सब्सक्राइब बटन जरूर दबा के देना।